वे जो लोग क्रोम का अल्टरनेटिव ब्राउजर को यूज करना चाहते हैं उन्होंने ब्रेव ब्राउजर का नाम जरूर सुना होगा। ब्रेव जो कि एक ओपन सोर्स ब्राउजर है जो कि बेस्ड है क्रोमियम पर, जिस पर सेम क्रोम बेस्ड है, और क्रोम के जस्ट ऑपोजिट ये फोकस करता है परफॉर्मेंस और यूजर की प्राइवेसी पर। इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्रोम एक काफी इंप्रेसिव ब्राउजर है, बट ऑलमोस्ट अब एक डेकेड के बाद भी मॉडर्न वेब ब्राउजिंग के लिए क्रोम सबकी पॉपुलर चॉइस नहीं है। अब ऐसी और क्या चीज है जिस वजह से ब्रेव इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है? लेट्स सी। सबसे पहले ये बाकी ब्राउजर से थोड़ा सा डिफरेंट है। जहां पर एक तरफ इंटरनेट जायंट सर्विस और प्रोडक्ट से वेब को डोमिनेट कर रहे हैं, वहीं पर डिफरेंट चॉइस का टेक मिलना काफी रिफ्रेशिंग सा लगता है। अब ऑलमोस्ट आपके पास ढेर सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप किस टेक को यूज करना चाहते हैं। ब्रेव की सेकंड बेस्ट चीज है इसकी रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी। अगर आप वेब ब्राउजिंग करते हैं तो आप जानते हैं कि आपकी जो इंटरनेट एक्टिविटी होती है उसको ट्रैक किया जाता है, और कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी थर्ड पार्टी को देना नहीं चाहता। यहाँ पर ब्रेव ब्राउजर प्राइवेसी प्रोटेक्टेड है और आपकी किसी भी तरह की एक्टिविटी और डेटा को किसी के साथ शेयर नहीं करता। आप जो कुछ भी इंटरनेट पर सर्व करते हैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके डिवाइस पर सेव रहती है, और ब्रेव इसको किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करता। उसके अलावा ब्रेव आपके सारे सिंक किए हुए डेटा को, आपकी सेटिंग्स को, आपके बुकमार्क्स को मल्टीपल डिवाइसेस पर एनक्रिप्ट करके रखता है। तीसरी बेस्ट चीज है इसकी फास्ट ब्राउजर एक्सपीरियंस। क्रोम रिसेंटली जाना जाता है अपनी हाई मेमोरी यूसेज के लिए, स्पेशली जब आप मल्टीपल टैब्स ओपन करके अपना मल्टीपल काम कर रहे हो, बट ब्रेव यहां पर आपको फास्टर एक्सपीरियंस देता है, वो भी मेमोरी एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर। अगला बेस्ट पॉइंट है इसका ओपन सोर्स। क्रोम जो कि बेस्ड है क्रोमियम कोड पर, जो कि एक ओपन सोर्स कोड है, वहीं पर जो ब्रेव है वो खुद में पूरा का पूरा ओपन सोर्स ब्राउजर है। इसलिए कोई भी इसके सोर्स कोड को इंस्पेक्ट करके इसको वेरीफाई कर सकता है और सिक्योरिटी को एक्सेस कर सकता है अगर जरूरत है तो। उसके अलावा इसके ओपन सोर्स होने के और भी काफी फायदे हैं, जिसमें कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट है अगर वो कुछ नए फीचर्स को ऐड करना चाहते हैं इसमें तो। हम जो भी इंटरनेट को सब करते हैं वो सारा डेटा सेंट्रलाइज्ड होता है, मीन्स हम जो भी रिसोर्स को यूज कर रहे हैं वो किसी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर स्टोर रहती है। बट ब्रेव में IPPS प्रोटोकॉल को इंटीग्रेट किया हुआ है जो आपको एक्सेस करने देता है डिसेंट्रलाइज्ड वेब को। ये यूजर को पीयर टू पीयर नेटवर्क एक्सेस करने को अलाउ करता है, सेम उसी तरह से जिस तरह से टॉरेंट वर्क करती है, जहां पर हम लोग IPFS को यूज करके सारी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके होने से ब्रेव आपको एक चीज की तो गारंटी देता है कि आप किसी भी तरह के रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। और इसका सिक्स पॉइंट है ट्रैकर ब्लॉकिंग। वैसे तो बहुत सारी ट्रैकिंग मेथड्स अवेलेबल हैं जिससे आप किसी भी यूजर को ट्रैक कर सकते हैं, बट कुछ ट्रैकिंग मेथड्स वेब को यूज करना काफी ज्यादा यूजफुल बना देती है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे ट्रैकर्स होते हैं जो आपका कुछ ज्यादा ही डेटा को उड़ा ले जाते हैं, और यहां पर आता है हमारा ब्रेव ब्राउजर जो कि आपको प्रोवाइड करता है बिल्ट इन प्राइवेसी प्रोटेक्शन फीचर, जहां पर आप किसी भी ट्रैकर को ब्लॉक कर सकते हैं, और इसके होने की वजह से आपको किसी तरह के एक्स्ट्रा एक्सटेंशन को ऐड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सातवां इसका बेस्ट पॉइंट है ब्रेव रिवॉर्ड्स। अगर आप वेब को ब्राउज करते हैं और आप अपने किसी फेवरेट वेबसाइट को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहां पर आप अपने एड्स को ब्लॉक नहीं करते हैं, जिससे कि उसके क्रिएटर को काफी हेल्प मिलती है। बट यहां पर ब्रेव ब्राउजर आपको एक डिफरेंट चीज प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आप अपने फेवरेट वेबसाइट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, और वो है ब्रेव रिवॉर्ड्स। वैसे ये कंप्लीटली ऑप्शनल फीचर है, बट ब्रेव ब्राउजर आपको टोकन प्रोवाइड करता है जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाकर टाइम स्पेंड करते हैं। इसमें आपको इंटीग्रेटेड वॉलेट मिलता है जिसमें आप सारे टोकन को स्टोर करके रखते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने फेवरेट वेबसाइट क्रिएटर्स को ये टोकन देकर उनको सपोर्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहें तो आप वॉलेट में अपनी करेंसी से भी फंड्स को ऐड कर सकते हैं ताकि आप और भी पब्लिशर्स को सपोर्ट कर सकें। इसका आठवां बेस्ट पॉइंट है टॉर इंटीग्रेशन। प्राइवेसी को एक लेवल और बढ़ाने के लिए इसमें टॉर का इंटीग्रेशन किया हुआ है। वैसे सबसे इजी तरीका इसको यूज करने का है कि आप टॉर ब्राउजर को यूज करें। टॉर ब्राउजर जो है वो इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है, बट थैंक्स टू ब्रेव ब्राउजर आप टॉर कनेक्टिविटी का यूज करके प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हैं। वैसे ये टॉर का कंप्लीटली रिप्लेसमेंट तो नहीं है, बट इसको यूज करके आप अपने आईपी एड्रेस और लोकेशंस को हाइड कर सकते हैं। इसका नाइन्थ बेस्ट फीचर है प्रीमियम फायरवॉल और VPN iOS डिवाइसेस के लिए। एप्पल iOS पूरी तरह से सर्विस से इंटीग्रेटेड किया हुआ है, और इसमें आप एडिशनल पेड मेथड को यूज करके फायरवॉल और VPNs को भी यूज कर सकते हैं। वैसे ये सर्विस हर किसी के लिए तो नहीं है, बट अगर आप iOS डिवाइसेस पर ब्रेव ब्राउजर को यूज करना चाहते हैं देन आप इस सर्विस को यूज कर सकते हैं, और इसके VPN को यूज करने से आपकी जो डिजिटल प्राइवेसी है वो और एनहांस हो जाएगी। 10th बेस्ट फीचर है इसका इंटीग्रेटेड ब्रेव सर्च इंजन। ब्रेव सिर्फ एक ब्राउजर ही नहीं है, यह आपको ऑफर करता है प्राइवेट एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन, डिसेंट्रलाइज्ड वेब एक्सेट्रा जैसे फीचर्स, और इसी में से एक है ब्रेव सर्च इंजन जो आपको काफी इंप्रेस कर सकता है। ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट सर्च इंजन है जो कि फोकस करता है प्राइवेसी फ्रेंडली सर्च रिजल्ट्स पर। वैसे आप चाहें तो ब्रेव सर्च को किसी भी ब्राउजर पर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सर्च इंजन को ब्रेव ब्राउजर में यूज करेंगे तो इससे आपका जो सर्फिंग एक्सपीरियंस है वो काफी सीमलेस सा हो जाएगा। तो बारी आती है इसकी बॉटम लाइन की। कंपेयर करें क्रोम को अगर ब्रेव से, तो यहाँ पर ब्रेव आपको कुछ ज्यादा ही ऑफर करता है, क्योंकि हम लोग मोस्टली कंप्यूटर्स पर वेब ब्राउजर पर ही रिलाय रहते हैं इंटरनेट सर्व करने के लिए। इसलिए बेस्ट वेब ब्राउजर का जो सर्च है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। हर एक अगर अल्टरनेटिव ब्राउजर को भी देखे तो ब्रेव उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है इस बीच में, फिर चाहे आप इसको डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हो या फिर फोन्स पर। सो ये भी हो सकता है कि इस वीडियो को देखते देखते आपको कुछ और रीजंस मिल जाए ब्रेव को एक बार यूज करने के लिए। सो वेल, ये था एक ब्रेव के ऊपर सेपरेट वीडियो, जो कि मुझे काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि मैंने लास्ट अपने वीडियो में ब्रेव को क्यों नहीं इंक्लूड किया था। सो अगर आपने अभी तक ब्रेव ब्राउजर को यूज नहीं किया है तो ये एक अच्छा चांस है अभी उसको यूज करने का। क्या पता हो सकता है कि वो आपके सारे ब्राउजर का एक बेस्ट रिप्लेसमेंट हो जाए। टिल देन, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको मेरे टॉप 10 ब्राउजर्स की लिस्ट देखनी है तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टिल देन, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।